हेलो दोस्तों, आए दिन इंडियन सिनेमा में मूवी तो रोज आती जाती रहती है, लेकिन वो एक फिल्म जो इतिहास लिख जाए वो शायद सालों में एक बार आती है। जी हाँ, आरआरआर इंडियन सिनेमा की हिस्टोरिकल मेमोरेबल फैंटास्टिक सुपर फैंटास्टिक एक्सीलेंट मूवी रही, जिसने सिर्फ एक मोटी अच्छी कमाई ही नहीं करी बल्कि पूरी इंडियन सिनेमा को पूरी दुनिया में चमका भी दिया और भारत देश के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट प्राउड मोमेंट जनरेट किया। दोस्तों, 2001 में लगान के बाद कोई भी ऐसी फिल्म नहीं आई जो ऑस्कर तक शॉर्टलिस्टेड हो जाए, लेकिन आरआरआर ना कि सिर्फ शॉर्टलिस्टेड हुई बल्कि नॉमिनेटेड भी हुई और इंडियन सिनेमा के लिए ऑस्कर भी जीत कर लाई, वो काहे में अपने ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ नाटू नाटू सॉन्ग के लिए। दोस्तों, राजा मौली ये नाम इंडियन सिनेमा की औकात बदल कर रख देगा। इस नाम की पहली ताकत हमने 2015 में देखी थी जब बाहुबली ने एंटर किया था साउथ इंडस्ट्री की दीवारों को चीर कर इंडियन सिनेमा में बच्चे बच्चे के दिल में जगह बनाने के लिए, और अब राजा मौली ने आरआरआर देकर तो ग्लोबली सिनेमा में इंडियन सिनेमा की वो छाप छोड़ी है जो शायद ही अब रुक जाए। दोस्तों, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो और क्या कर सकता है इंडियन सिनेमा इंटरनेशनली वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जाने से पहले दो सवाल आपके लिए छोड़कर जाऊंगा। हू रोट दिस ग्लोबली फेमस सॉन्ग नाटू नाटू, दूसरा आरआरआर मूवी आपको कैसी लगी? जय हिंद।